हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आया पोखरा से सुबह सुबह 7 बजे, और ये रूम लिया था एक 2 बेड का, देख सकते हो। और यहाँ पे रुपेश भाई और यहाँ पे राहुल भाई। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए जानकी मंदिर, और जनकपुर में जो जो भी जगह है अच्छा अच्छा वो सब आपको दिखाने वाले हैं फुल गाइड के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं, और ये इस रूम का बड़ा सा रूम है, 1000 रुपये हमको पड़ा यहाँ पे। तो बस 2-3 घंटा ही रुके थे, और अभी हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो चलिए चलते और दिखाते हैं आपको। और वो रहा रामानंद चौक, और यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना काफ़ी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाहर जाकर। और अभी जाएँगे जानकी मंदिर तरफ तो दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं जानकी मंदिर से। निकल चुके हैं, और ये था देख सकते सरलाही होटल एंड गेस्ट हाउस। इसका 1000 रुपया लिया था एक रूम का, और रूम भी दिखाई दिए। और ये देख सकते हैं, ये रामानंद चौक, और यहाँ पे बस पार्क। तो आपको कहीं भी जाना हो बाहर काठमांडू पोखरा घूमने के लिए, तो यहाँ से बस मिलता है, आप यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो ये रामानंद चौक, और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए जानकी मंदिर। तो चलिए दिखाते हैं आपको जानकी मंदिर। सो अभी हम बैग वगैरह रख दिए पवन अंकल के दुकान पे, और ये रहा पूरा हॉस्पिटल रोड। तो अभी हम जा रहे हैं जानकी मंदिर के पास, दर्शन करते हैं और फिर दिखाते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं सत्तू पीने के लिए यहाँ पे। सत्तू चलेंगे, अभी हम आ चुके हैं जानकी मंदिर के पास। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। और इधर आप पूरा शॉप वगैरह चंदन वगैरह सब कुछ मिलता है। सो अभी हम आ चुके हैं जानकी मंदिर के अंदर, और ये रहा पीछे जानकी मंदिर, देख सकते हो प्रसादी शादी का काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और भीड़ भी देख सकते हो, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं हम इसके अंदर और दिखाते हैं आपको। ये रहा मेन गेट, यहाँ पे भगवान का दर्शन करते हैं। तो अभी हम दर्शन वगैरह तो कर लिए, और अभी इसका एक राउंड मार लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से ऊपर भी जाने वाला है, तो उसका टिकट लगता है। तो हम तो बहुत बार घूम चुके हैं यहाँ पे, ब्लॉग भी बना हुआ है इसका। तो अभी घूमते हैं, और रुपेश से भी आया राहुल भी, तो इसको घुमा देते हैं ये काम। तो फिर यहाँ से चलते हैं बाहर, और देख सकते हैं जानकी मंदिर का सजावट कितना मस्त है। अभी हम आ चुके हैं जानकी मंदिर के ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हैं ये राम भगवान का पहले का फोटो। ये सब है, कुछ पेंटिंग वगैरह यहाँ पे किया गया है। और जानकी मंदिर के ऊपर से देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू आता है। यही सब है। और यहाँ पे भगवान का फोटो वगैरह मिलता है जानकी मंदिर का भी, तो यहाँ से ले सकते हो। और ऊपर आने के लिए टिकट लगता है, जो कि इंडियन 10 रुपये और नेपाली 15 रुपया लगता है बस। और यही सब है, देखते हैं और फिर चलते हैं। इसके नीचे अंडरग्राउंड भी है, तो नीचे जाकर भी आपको दिखा देते हैं। अंडरग्राउंड में म्यूजियम टाइप है वो सब, और फिर चलेंगे यहाँ से बाहर।
सो अभी हम जा रहे हैं जानकी मंदिर के नीचे, जो कि अंदर ग्राउंड में है, एक म्यूजियम टाइप है उसमें, और दिखाते आपको। सो आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का जो मुकुट वगैरह है ये सब है, और कपड़ा वगैरह फोटो वगैरह सब दिखाते हैं आपको। और ये रहा कपड़ा, और यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह। सो ये सब रहा। तो यही सब है म्यूजियम टाइप, तो यही है। अभी हम जा रहे हैं बाहर जानकी मंदिर के बाहर, और फिर दिखाते हैं। तो यही था जानकी मंदिर के अंदर से, दिखा दिया आपको। अभी हम जा रहे हैं वापस बाहर। तो अभी हम आ चुके हैं विवाह मंडप में, और ये रहा विवाह मंडप, देख सकते हो। और इसके अंदर में बहुत सारे गार्डन हैं चारों साइड से, और बीच में रहा ये मंदिर। तो इसके अंदर आने के लिए आपको 7 रुपया इंडियन लगता है, और 10 रुपया नेपाली टिकट। तो चलिए, यही है विवाह मंडप। ये रहा मंदिर। अभी इसका भी राउंड मार लेते हैं एक राउंड, और यही है विवाह मंडप, देख सकते हो। और इधर देख सकते हो चारों साइड गार्डन है, तो यहाँ पे आते हैं लोग बैठने के लिए, बातें वगैरह करने के लिए, और फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह ही है। अभी मंदिर वगैरह दर्शन कर लिए हैं, और अभी जा रहे हैं खाने के लिए रघुपति मिष्ठान भंडार में। तो चलिए चलते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे खाने के लिए, और ये रहा होटल। तो यहाँ पे खाते हैं कुछ मोमो वगैरह, फिर जाएंगे भूतनाथ मंदिर। यहाँ पे अभी आ चुका है मोमो, तो खाते हैं फिर मिलते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं गंगा सागर के पास, ये देख सकते हैं ये रहा गंगा सागर तालाब, और वहाँ पे होता है गंगा आरती। फोन कर रही दिन में ना, देख सकते हैं कितना अच्छा है यहाँ का मौसम, एकदम ठंडा। और वहाँ पे भोलेनाथ टेम्पल। सो अभी हम आ चुके हैं ये जानकी मंदिर के मार्केट में, और ये रहा कपड़ा का मार्केट। और वहाँ पे जानकी मंदिर, और इधर दोनों साइड मार्केट है। सो गाइस, अभी हम पूरा जनकपुर तो घूम लिए, और अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और अभी आ चुके हैं बस स्टैंड के पास। चलिए चलते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।